समाधान, आज हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की। आप जानते हैं आईआईडी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई और समाधान का जॉइंट एफर्ट है। ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। उसी के तहत हम प्रोफेशनल एपिसोड्स लेके आते हैं। इस प्रोफेशनल एपिसोड में आज हम फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की बात करेंगे, जो कि अभी जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन मिला है। फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी, पहले भी हमारे एक्ट में इसका प्रोविजन था। आपका कंपनीज एक्ट 1956 में पार्ट 9 में इसके प्रोविजंस डिफाइंड है। करेंटली यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में इसके सेक्शन 465 में इसके प्रोविजंस डिफाइंड है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स कि अगर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी कोई फॉर्म करने जा रहा है या सोच रहा है, तो एक्चुअली में ये होती क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इसे क्यों फॉर्म करना चाहिए, या कितने लोग इसे फॉर्म कर सकते हैं, और इसे फॉर्म करने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इन्हीं सब से हम डील करेंगे और धीरे धीरे हम अपने प्रोफेशनल एपिसोड्स में इसके बारे में आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं पहले बेसिक्स नॉलेज की। तो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी या कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो एक हाइब्रिड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कॉपरेटिव सोसाइटी के। जो बेनिफिट्स होते हैं वो कंबाइन करे गए हैं। कॉपरेटिव सोसाइटी की गुडनेस और प्राइवेट कंपनी की वाइब्रेंसी और एफिशिएंसी को डिफाइन करके, कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी का। इसमें जो यूनिक एलिमेंट है वो है कि ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डिफाइन करता है फार्मर्स को, और फार्मर्स को एक कॉपरेट स्ट्रक्चर देता है कि वो अपने आप को, यानी कि कुछ फार्मर्स मिलके अपने आप को इस स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं और वो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी कौन कौन स्टार्ट कर सकता है या ये होती क्या है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट शैल कैरी ऑन और रिलेट टू एनी ऑफ द एक्टिविटीज क्लासिफाइड ब्रॉडली। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज फॉल करती हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, कंजर्वेशन, communications relatively to primary produce, promoting mutual assistance, welfare measures, financial services, insurance of producers or their primary produce. इसमें जो ownership होती है या इसकी जो membership होती है वो exclusively farmers के लिए है, और जो producers institutions हैं या जो primary produce से related activities कर रहे हैं इसकी ownership और membership वही enjoy कर सकते हैं। इसमें कोई भी equity जो होती है वो privately owned नहीं होती है, इसके shares जो होते हैं वो traded नहीं होते हैं। तो इसमें ये एक basic चीज़ का ध्यान रखने वाला है कि इसका जो nature of incorporation है that is privately, it cannot be a public company जिसमें public पैसा लगा सकती है और trade कर सकती है, ये वो उस form of organization में fall नहीं करता है। फिर इसमें बहुत चीज़ गहराई से डिफाइन किया गया है कि प्राइमरी प्रोड्यूस एक तो वो फॉर्म कर सकते हैं जो या तो इन एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको प्रीवियसली डिफाइन कर रखी हैं उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या वो जो प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हो वो इस फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूस की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूस में को भी डिफाइन किया गया है। प्राइमरी प्रोड्यूस में आपका आता है प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रीवेजिटेशन, बी रेजिंग एंड फार्मिंग प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, और फ्रॉम एनी अदर प्राइमरी एक्टिविटी और सर्विस विच प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स और कंज्यूमर्स। सेकेंड है और प्रोड्यूस ऑफ पर्सन्स इंगेज इन हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज। एनी प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी एंसिलरी एक्टिविटी दैट वुड असिस्ट और प्रमोट एनी ऑफ द अफोर्शेड एक्टिविटी और एनी थिंग एंसिलरी देयर टू। एनी एक्टिविटी विच इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी थिंग रेफर टू अबव improve the quality thereof. These all things are included in primary produce. वो लोग जो agriculture activity से directly relate करते हैं या primary produce से relate करते हैं वो farmers producer company बना सकते हैं। अब who can form a producer company या farmer producer company कौन कौन बना सकता, तो उन्होंने कुछ define किया हुआ है कि any one of the following can कम एंड इनकॉर्पोरेट अ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। उसमें है आपके 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो इन एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी डिफाइन करी हैं में इन्वॉल्व हैं।
प्राइमरी प्रोड्यूस में इन्वॉल्व है या कोई दो और दो से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस हो गई आपकी या कंपनीज, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया है, वो भी आ सकती हैं, और या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर इंडिविजुअल्स एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो प्राइमरी प्रोड्यूस एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो, या दो और दो से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंक्लूड किया गया है एज एन इंस्टीट्यूशन, या दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आपको प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले, दीज कंपनीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स और इसमें शेयर से ही लिमिटेड हो सकते हैं। इनका जो नेचर होता है वो प्राइवेट कंपनी का होता है, दे कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, डेट इज़ वाई ये टेक ओवर के लिए एमएनसीज को थोड़ा कम ल्यूक्रेटिव लगता है। तो ये बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट था वो फार्मर्स के लिए था, इसीलिए इसको प्राइवेटली रखा गया, पब्लिक नहीं रखा गया। और इसमें जो मिनिमम पेड अप की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 5 लाख है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए होते हैं वो लगभग 10 होते हैं, और इसमें जो मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो 5 होते हैं। अब आप प्रोड्यूसर कंपनी क्यों आया, ये आप क्यों बना? पहली बात, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, कहा जाता है हमारा लगभग मोर देन 75% या आज की डेट में देखें तो 80-90% हम लोगों का एग्रीकल्चरल कंट्री कही जाती है इंडिया को। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने को स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फॉर्मेशन में डालने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज या कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाने के लिए, एक तो इसलिए प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था, दूसरा उनको एनकरेज करने के लिए, उनको एक स्टैंडिंग देने के लिए, उनकी एक गुडविल देने के लिए, ताकि वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कम्पीट कर सके इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। ये आया तो पिछले एक्ट में ही था, लेकिन अभी क्योंकि बजट पास हुआ और इसे टैक्स स्पेशल टैक्स एग्जम्पशन दिया गया, इसलिए ये हाइलाइटेड टॉपिक है। दो की ये पहले भी एग्जिस्टेंस में था और अभी भी एग्जिस्टेंस में था, इसीलिए आजकल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ी है और लोग बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। तो एक छोटा सा बेसिक नॉलेज था कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंप्लायंसेस हैं, इसका इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर है, जो हम आपको बाद के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे और अपने प्रोफेशनल एपिसोड्स के थ्रू आपको इन्हीं नए नए कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करिए और डेली के अपडेशंस और जो भी अपडेट्स आती हैं उसे लेते रहिए। थैंक यू।